नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। स्टूडेंट देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ी देर पहले आरपीएससी ने आपके आरएस भर्ती, आपके सहायक मत्स्य विकास अधिकारी भर्ती और आपके सहायक अनुदेशक सर्वेयर भर्ती, तीनों का ही डेट जो है उसने अनाउंस कर दी। स्टूडेंट सबसे अच्छी बात यह है कि कल ही इनकी विज्ञप्ति जारी हुई स्टूडेंट, और आज जो है इनकी डेट अनाउंस कर दी गई है। लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात यह है कि जब हमारे पास में नवंबर तक की डेट इन्होंने अनाउंस कर दी है, तो फिर आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के लिए क्या ऑप्शन बचते हैं? क्या वो एग्ज़ाम 2026 में होंगे या फिर 2025 में हो पाएंगे अथवा नहीं? इसको लेकर के हमेशा एक कंफ्यूजन चलता आ रहा है स्टूडेंट। लेकिन आप विश्वास रखिए अपने ऊपर कि अगर विज्ञप्ति जैसे कि इस महीने के एंड में सुनने में आ रही है, 2024 सितंबर में आपके वैकेंसी आने की पूरी संभावना स्टूडेंट है, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी फर्स्ट ग्रेड जो है वो आपके 2025 में ही होगी। लेकिन मुझे यकीन है स्टूडेंट की वो आपका जुलाई या अगस्त माह तक हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इसमें से जो आरएस जो भर्ती है उसकी भी उन्होंने डेट जो है वो बीच में दी है ना। आप देख रहे हैं स्टूडेंट की इसकी जो आरएस भर्ती की जो डेट है स्टूडेंट, वो भी उन्होंने बीच में दी है 2 फरवरी की, जबकि आपको पता है पहले से ही आपके अक्टूबर तक की डेट अनाउंस हो चुकी थी। तो मुझे लग रहा है इसी बेस पर आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी पूरी पूरी संभावना है स्टूडेंट कि आपको 2026 तक वेट नहीं करना पड़ेगा। 2025 में ही आपके, मुझे लग रहा है कि आपके जुलाई माह से लगा करके और आपके सितंबर के बीच में ये एग्ज़ाम दोनों कंडक्ट हो जाने चाहिए। पर खुशी की बात यह है कि विज्ञप्ति जारी होते ही तुरंत तीनों की एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी गई। तो क्या हमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी इसी प्रकार से एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगी? इसकी भी पूरी पूरी संभावना और उम्मीद है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि संस्कृत विभाग का जो एग्ज़ाम जो उन्होंने विज्ञप्ति जारी की थी उसकी भी डेट उन्होंने जो है वो 2 दिन में ही जारी कर दी थी स्टूडेंट, है ना। 2 दिन में ही उसकी जो है उन्होंने एग्ज़ाम डेट जारी कर दी थी। तो अब मुझे उम्मीद है इसकी पूरी पूरी कि आपके जैसे ही विज्ञप्ति आएगी 2024 में सितंबर या अक्टूबर में, तो आपके एग्ज़ाम डेट जो है वो उतनी जल्दी जारी कर दी जाएगी, ताकि आपके पास में आपके लिए पूरा एक टाइम पीरियड मिल जाएगा और आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर पाएंगी। देखिए, देखते हैं कि वैकेंसी आने के कितने समय बाद आपका टाइम टेबल जारी होता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि खुशखबरी जल्दी मिलेगी, उसके साथ साथ आपका टाइम टेबल भी जारी कर दिया जाएगा। आप तैयारी करते रहें, 2025 में ही एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावना है। धन्यवाद।